गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्राम की व्याकरण पेज नंबर 109। पेज नंबर जो है 109। व्याकरण, व्याकरण की भाषा में क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, यानी जो व्याकरण होता है भाषाओं को जो है सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत करता है और उसका होना अनिवार्य होता है। भाषा में व्याकरण का होना अनिवार्य होता है। विभिन्न शब्दों का सअनुशासित, सअनुशासित मतलब अनुशासन के साथ, कुछ नियमों के साथ जो है। ध्वनि समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता है वाक्य कहलाता है। ध्वनि समूह यानी वर्णों का समूह जो शब्द बनता है और शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ, कुछ विशेष जो है नियम जो है निर्धारित हैं उनके साथ। तो वाक्य की परिभाषा है विभिन्न शब्दों का अनुशासन सहित ध्वनि समूह जिसमें विशेष अर्थ की जानकारी मिलती है वाक्य कहलाता है। वाक्य जैसे राम दौड़ता है, राधा नाचती है, तो राधा नाचती है इसमें हमें अर्थ पता चल रहा है कि वो जो है नाच रही है, यानी क्रिया कर रही है। वाक्य में जो है कहीं कहीं पर लंबे लंबे वाक्य होते हैं, कहीं कहीं पर छोटे वाक्य होते हैं। कई बार क्या होता है, लंबे वाक्य जो है छोटे अर्थ देते हैं, छोटे अर्थ निकालते हैं, और कहीं कहीं पर लघु वाक्य जो बड़े, लघु मतलब छोटा, छोटा वाक्य जो बड़े अर्थ देता है। जैसे रात के समय सूर्योदय पार्क के प्रकाश में सुगंधित फूलों के रंगों से वह वाटिका खिल उठी थी। ये वाक्य जो है बड़ा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि सुबह वाटिका में रंगीन पुष्प खिले। बचाओ, यह भी एक वाक्य है तो, लेकिन इसमें क्या है, कई सारे मीनिंग के हैं और इसमें कौतूहल भी है, रोमांच भी है, आतुरता भी है, आह्वान भी है, प्रेरणा भी है और अंतर्नाद जैसी स्थिति भी गौण में मतलब निम्न रूप में है। शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था के प्रतीक है। जो शब्द है भाषा के जो है प्रारंभिक रूप, आरंभिक रूप जो होता है उसका प्रतीक होता है। तो वाक्य उसकी विकास अवस्था की, जो वाक्य होते हैं उसकी भाषा का जो है विकास अवस्था, उसका जो है जो बताता है स्थिति के सभ्यता के विकास के साथ साथ वाक्यों का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार के वाक्य रचना कर भाव प्रकाशन करते हैं। शिक्षितों की वाक्य रचना व्याकरण संबंध होती है। जो शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी जो वाक्य रचना कैसी होती है, जो है व्याकरण से, व्याकरण के अंतर्गत होती है, व्याकरण के रूप में निर्धारित होती है। जो आमतौर पर लोग होते हैं वो जो है व्याकरण पर निर्भर, व्याकरण के द्वारा जो नहीं होती, कई बार क्या लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं हम, तो जो व्याकरण संगत नहीं होती है, यानी उसमें व्याकरण नहीं होता है। तो जो शिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी भाषा जो होती है कैसी होती है, व्याकरण संगत होती है। व्याकरण के समान नियम होते हैं जिनमें वाक्य रचे जाते हैं। स्पष्टता वाक्य रचना की सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ पे वाक्य की जो विशेषता क्या है, वाक्य ये जो है विशेष होनी चाहिए। पहला तो सबसे स्पष्टता, यानी कोई भी चीज वाक्य हम बोलते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी उसकी मीनिंग हमें समझ में आए। फिर संक्षिप्तता यानी छोटा, शॉर्ट रूप। फिर माधुर्य, माधुर्य मतलब कठोर वचन नहीं होना चाहिए जिसमें प्रेम हो। संतुलन आदि भी वाक्य के गुण है। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता एवं क्रम, इनका होना भी अति आवश्यक है। क्रम कैसे, जैसे सभी चीज में नियम होते हैं व्याकरण में, कर्म
कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर इस तरह से सहायक वर्ड जो होते हैं, तो उसका भी आवश्यक है। वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य पद को सुनने की स्वाभाविक ललक ही आकांक्षा है, यानी ललक मतलब इच्छा। जैसे दिन रात परिश्रम करते हैं, वाक्य में जो है अधूरापन है, कौन कौन परिश्रम करते हैं उसमें वाक्य में, जब तक कि कर्ता नहीं आता है तो वाक्य अधूरा कहलाएगा। सभी दिन रात परिश्रम करते हैं में आकांक्षा की पूर्ति हुई, मतलब जो हम जानने की इच्छुक है कि कौन दिन रात परिश्रम करते हैं तो वाक्य समझ में आएगा, लेकिन कौन करता है तो इसमें कर्ता कौन है, सभी। तो इस तरह से जो आकांक्षा, जो हमारी इच्छा जानने की इच्छा थी वो पूरी हो गई। यह सभी की आकांक्षा थी, प्रत्येक वाक्य में शब्द पद अर्थ बोधन में पूर्ण सहायक होना चाहिए। जैसे मजदूर लकड़ी से दूध दुहता है, इसमें योग्यता का अभाव है क्योंकि लकड़ी से दूध नहीं दुहा जा सकता, अतः मजदूर जो है भैंस को दुहता है। यह वाक्य योग्यता संपन्न हुआ, यानी यहाँ पे जो है वाक्य की जो योग्यता है वो संपन्न क्वालिटी। इसी प्रकार का विधान भी वाक्यों में अति आवश्यक है। जैसे हलवा मैंने खाया कब, इसका क्रम जो है नहीं है, इसमें क्रम नहीं है, तो क्रम का होना अति आवश्यक है। योग्यता, आकांक्षा और क्रम, ये तीनों का होना आवश्यक है। जैसे तो इसमें आएगा सबसे पहले क्या, मैंने, फिर हलवा, फिर कब खाया, तो ये जो है वाक्य उचित होगा। फिर अब आते हैं वाक्य विग्रह एनालिसिस, यानी वाक्य की जो वो है एक वाक्य के जो है वाक्य विग्रह की परिभाषा। वाक्य के शब्दों, पदों एवं वाक्यांशों को अलग कर उनका पारस्परिक संबंध बनाना वाक्य विग्रह कहलाता है। मतलब जब वाक्य को हम अलग करते हैं और उसको उसके बारे में जो जानकारी देते हैं वो क्या कहते हैं, वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई अभिप्राय आवश्यक है, अभिप्राय मतलब मर्म अर्थ। इसी अभिप्राय को दो खंडों में विभाजित किया गया है, ये दो खंडों में बांटा गया है, और जिसमें उद्देश्य और विभेद, उद्देश्य यानी जो आपका सब्जेक्ट करता है और विधेय यानी अन्य वाक्य जो है प्रेडिक्ट। वाक्य का वह खंड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य का वह खंड जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश पड़ता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पे उद्देश्य और विधेय की परिभाषा दी गई है कि वाक्य का वह खंड, खंड यानी टुकड़ा जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य कहा जाता है, और जिसके बारे जिस पर जो विषय जो है कहा जाता है, जिसमें उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ वाक्य दिया हुआ है मोहन दौड़ता है, मोहन क्या है, उद्देश्य है, और दौड़ता है क्या है, विधेय। अब उद्देश्य के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो है वाक्य का प्रधान अंश कर्ता होता है, यानी उद्देश्य का जो मेन जो है क्या है, कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, क्रिया करने वाला। कर्ता विस्तार तक उद्देश्य की स्थिति रहती है। जैसे दशरथ पुत्र वीर राम ने रावण को मारा, इसमें दशरथ के पुत्र वीर राम ने पूरा क्या है, उद्देश्य है, और रावण को मारा विधेय। विधेय में क्रिया तथा क्रिया का विस्तार होता है। अब इसमें जो है उद्देश्य में कर्ता जो है कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता उद्देश्य के चार प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रियात्मक संज्ञा से। इन्हीं कर्ता का चार रूपों में विस्तार होता है, जिसे कर्ता का विस्तार कहा जाता है। जैसे राम
घर जाता है ये संज्ञा, नाम क्या है संज्ञा। फिर सर्वनाम से वह लौट आया होगा, वह क्या है सर्वनाम। फिर विशेषण, बुद्धिमान सफलता प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान क्या है विशेषण है तो बुद्धिमान सफलता प्राप्त करते हैं। फिर क्या अर्थक संज्ञा, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पे भी जो उद्देश्य क्या है क्रियार्थक संज्ञा के रूप में क्रिया, दौड़ना क्या है क्रिया है तो क्रियार्थक संज्ञा होती है। फिर विशेषण से, ईमानदार लड़का गया तो ईमानदार जो है क्या है विशेषण। फिर संबंध मूलक विशेषण से, जापान का सिपाही मारा गया, जापान का सिपाही इसमें संबोधन मूलक विशेषण। फिर समाधिकारी से, बादशाह औरंगजेब क्रूर था। फिर पदवन से, खाकी खाकी नेकर वाले चपरासी ने कर्ता की ही भांति कर्म का विस्तार होता है, यानी खाकी खाकी जो है पदवन है। फिर हमें जाना है उद्देश्य के बारे में, अभी हम जानेंगे प्रेडिकेट यानी विधेय के बारे में। विधेय की रचना जो है, जो विधेय बनाने की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार से होती है देखिए, एक तो क्रिया से, फिर कर्म और क्रिया से, फिर पूरक से और क्रिया से, और कर्म के विस्तार और क्रिया से, ये चार चीजों से जो है विधेय की रचना प्रक्रिया होती है। क्रिया से जैसे गाय आई, आई वो विधेय, फिर गाय घास खा गई, सकर्मक क्रिया, इसमें घास जो है कर्म है। फिर गाय थोड़ी सी कुछ घास खा गई, इसमें कर्म और कर्म का विस्तार जो है बड़ा और क्रिया है। फिर पूरक से और क्रिया से, पूरक वह तेज भागा। इस तरह से क्रिया के विस्तार एवं क्रिया से, जैसे घोड़ा तेज दौड़, घोड़ी तेज दौड़ी, उसने बहुत अच्छा गाया, विधेय में इसी प्रकार से क्रिया का विस्तार भी किया जाता है। क्रिया विशेषण, तुम यहाँ वहां क्यों जा रहे हो। विशेषण, वह बहुत हकलाता है। फिर कृदंत, वह रोता हुआ जा रहा था। फिर क्रिया की विशेषता सूचकांक, वाक्यांश, वह बहुत ही घबराहट में गया है। क्रिया विस्तार करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारक के अनुसार भी होता है। कई बार क्रिया का जो विस्तार किससे होता है, कारकों के द्वारा। कारक कौन से, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि जो है कारक। करण से, जैसे महेश ने कुल्हाड़ी से उसे मारा, नीरज के लिए साइकिल आया हूं तो कुल्हाड़ी से, इसलिए क्या है करण है। और के लिए संप्रदान है चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, मकान से, यानी अपादान में क्या होता है कि अलग होना, किसी चीज से अलग होना, तो यहाँ पे मकान से गिरा, वर्मा जी मकान से गिर पड़े तो वर्मा जी मकान से अलग हो रहे तो वहां पे अपादान किया। फिर अधिकरण, अधिकरण में पर उसका जो है कार्य विभक्ति क्या है, में पर है तो वहां रेत की छत पर बैठा था, यहाँ पर जो है अधिकरण। इन उपयुक्त आधारों पर जो वाक्य का विश्लेषण इस पर किया जा, इस प्रकार जो है किया कर सकते हैं, जैसे उस बहादुर लड़के ने शेर की गर्दन पर जोर का मुक्का मारकर उसे गिरा दिया, इसमें कर्ता का विस्तार जो है बहादुर, उसमें कर्ता जो है बहादुर, कर्ता का विस्तार, लड़के ने कर्ता प्रधान, जो लड़का जो है कर्ता का मेन जो है शब्द है प्रधान है, और शेर जो है इसमें कर्म प्रधान है, यानी कर्म कौन कर रहा है शेर। गर्दन पर कर्म विस्तार और जोर का कर्म विस्तार, ये भी कर्म विस्तार है। मुक्का मारकर ये पूरक विस्तार है, उसमें कर्म विस्तार, गिरा दिया जो है क्रिया प्रधान, मतलब इसमें कर्म क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है गिराना। तो बच्चों हमने यहाँ पे जाना वाक्य के प्रकार, उद्देश्य, विदेश्य, विधेय यानी सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, फिर उसके बारे में जाना कि विधेय की रचना कैसे होती है और उद्देश्य की रचना किस प्रकार से होती है। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको इतना समझ में आया होगा। आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।